परवाल थाना क्षेत्र का रोड, कोलवली क्षेत्र का रोड आप देख सकते हो भाई। ऑल राइट गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम रांची। और अभी समय हो रहे हैं सुबह के 10:07, और ये झारखंड राइड का हमारा पहला डे है। अगर हम बात करें दोस्तों, एक मैं सीरीज शुरू कर रहा हूँ, जैसा कि अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा, मैंने वहाँ पे अपडेट दिया था कि मैं एक छोटा सा सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं अपने झारखंड की कई जगह को, जो हिडन पैलेस हैं या फिर जो जगह आप जानते भी हैं, उन जगहों को मैं एक्सप्लोर करूँगा। और मैं कोशिश करूँगा उसे अच्छे से एक्सप्लोर करूँ, चूँकि यार मानसून का समय है और मानसून के समय में हमारा झारखंड भी भाई काफ़ी सुंदर होता है। अगर आप वाटरफॉल्स वगैरह घूमने के शौकीन हैं तो यार हमारे झारखंड में कई सारे वाटरफॉल हैं और कई सारे ऐसे हिडन पैलेस हैं जो यार काफ़ी आकर्षक होते हैं। और गर्मी के दिन में ये सारे जगह घूमने में मज़ा आता नहीं है, तो मैं सोचा चलो एक मानसून में छोटा सा राइड करते हैं जिसमें मैं आपको जो भी अगल बगल की जो छोटी चीज़ें हैं, बड़ी चीज़ें हैं, वो मैं आपको दिखाऊँ। तो आज की इस राइड में हम जाने वाले हैं चतरा, क्योंकि भाई चतरा में कई सारे वाटरफॉल हैं। और चतरा जो हम कवर करेंगे, हम जाएंगे ठाकुर गांव होते हुए टंडवा होते हुए जाएंगे, क्योंकि ठाकुर गांव से जो टंडवा वाला रोड है इसमें भाई काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोडिंग होता है। और भाई एक राइडर के जीवन में भाई ऑफ रोडिंग का जो मज़ा है ना, वो बता नहीं सकते कितना ज़्यादा होता है। तो मैं सोचा चलो इस एक्सपीरियंस को एक बार किया जाए, क्योंकि मैं एक बार गया हुआ था, उस समय मैं TVS स्पोर्ट्स से था। तो रास्ते में भाई बीचों एक्चुअली कोलवारी वगैरह पड़ता है, कोल फील्ड एरिया है, तो थोड़ा सा ज़्यादा ऑफ रोडिंग हो जाता है। तो मैं सोचा चलो एक बार सिवा को भी उस रोड से ही लेकर जाते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग इस सीरीज को यार काफ़ी ज़्यादा प्यार दोगे। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल वाला आइकन को प्रेस कर लो ताकि हमारे आने वाली कोई वीडियो का आप मिस ना कर सकें। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए सर्च कर सकते हैं blogging_world, सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। यूजर नेम आपको सामने में दिख रहा होगा या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं और आपको हम आज यात्रा करवाते हैं यहाँ से चतरा तक का। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अभी हम लगभग 40 किलोमीटर चले ही थे और राय से 8 किलोमीटर पहले थे तो हमें एक बोर्ड दिखा तीरू वाटरफॉल का। तीरू जलप्रपात की डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ से 1 किलोमीटर है। और तीरू जलप्रपात ऐसे ही जाते हैं? अच्छा, तो मैं सोचा चलो एक बार इसे भी कवर कर लिया जाए, ये भी जगह को देख लिया जाए कि ये वाटरफॉल कैसा है। बाकी देखते हैं बाइक कहाँ तक जाता है भाई। सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि बाइक वहाँ तक जा पाता है या नहीं जा पाता है। बाइक वाटरफॉल तक जाता है? जाता है पर जगह नहीं है, इसलिए इधर खड़ा करके ठीक है। तो सामान वगैरह इधर रख देते हैं, हम लोग यहाँ रहते हैं। तो ऐसे सामान है इसलिए बोल रहे हैं। आगे मंदिर है एक, और मंदिर से वाटरफॉल कितना दूर है? दूर है, सीढ़ी है। सी मतलब जस्ट नीचे उतरना है। तो भाई फाइनली हम निकल चुके हैं यहाँ से तीरू वाटरफॉल के लिए। मैंने पीछे में बाइक पार्क कर दिया है और यहाँ पे बाइक पार्किंग का जो चार्ज है वो 20 रुपीज करके है। यहाँ के आगे बाइक जाते हैं लेकिन बाइक ले जाना अलाउ नहीं है। यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो यहाँ पे पार्किंग चार्ज लेते हैं और पार्किंग लगवाते हैं। तो उन्होंने बोला कि यार बाइक पर आपका सारा सामान सेफ रहेगा, आप बाइक आराम से ही छोड़ दो। बाकी जो कैमरा का बैग था वो मैंने अपने साथ ले लिया और एक जो मैंने लैपटॉप का बैग रखा है अपने साथ वो मैं अपने साथ ले लिया हूँ। बाकी चलिए आगे चलते हैं, आगे चल के आपको दिखाते हैं कि यहाँ का जो वाटरफॉल है वो किस टाइप से है। चूँकि मैं इस वाटरफॉल की अगर बात करूँ तो मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आ रहा हूँ और यहाँ आने का मेरा कोई प्लान था नहीं, लेकिन रास्ते में ये दिखा तो मैंने सोचा चलो चलते हैं और देखते हैं क्या नज़ारा होने वाला है। तो चलिए आगे चलते हैं। हालाँकि हमें तीरू वाटरफॉल का बोर्ड दिख चुका है सामने में और मैं आपको एक बार बैक कैमरे से दिखाता हूँ यहाँ पे जो मंदिर अभी बन रहा है। ये मंदिर अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो ये मंदिर आप देख सकते हैं मंदिर कैसा है। और भाई काफ़ी नीचे उतरने के बाद फाइनली हम पहुँच चुके हैं वाटरफॉल के पास में।
इधर से पानी का आवाज़ तो आ रहा है, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि फॉलिंग ये एक्चुअली हो कहाँ से रहा है। तो अभी हम और नीचे चल रहे हैं, आपको रास्ते भाई दिख रहे होंगे, इधर से फिर रोड नहीं बना हुआ है, बस आपको ट्रैकिंग करते हुए जाना है और नीचे की ओर। बाकी देखते हैं एग्जैक्ट जो फॉलिंग है वो कहाँ से हो रहा है। बाकी भाई एक चीज़ जो हमें यहाँ पे गलत लगा वो ये लगा कि आसपास में यार काफ़ी सारा कचरा है, जैसे कि दारू का बोतल वगैरह। यार भाई साहब अगर आप आते हो पीते हो अच्छी बात है, लेकिन उसे एक सुरक्षित जगह पे फेंक दो, ऐसे ही फेंक दिया गया है, तो ये थोड़ा सा गलत है। बाकी भाई व्यू देख रहे हैं, काफ़ी कमाल का व्यू है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं पिपरवार। सामने आपको एक बोर्ड दिख रहा होगा, पिपरवार क्षेत्र आपका स्वागत करता है। और हमें भाई यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि रास्ता कौन सा है, क्योंकि यहाँ से नीचे से होकर जाया जाता था, तो मेरे ख्याल से यही रास्ता है। ये रास्ता आप देख सकते हो भाई, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पानी जमा हुआ होता है। देख रहे हो कितना हैवी वाला बारिश। सबसे बड़ी बात है भाई कि ये वन वे है, तो वेट करना होता है कि कोई गाड़ी उधर से ना आए तब इधर से आप जाओ। अभी तो फिर भी पानी बहुत कम था, बहुत कम। लास्ट टाइम जब हम आए थे भाई तो पानी इतना ज़्यादा था कि स्पोर्ट का आधा चक्का घुस गया था, लेकिन इस बार तो हल्का पानी था और ज़्यादा गहरा भी नहीं था। इधर तो कीचड़ है भी नहीं, मेरे ख्याल से इधर 2-3 दिन से बारिश हुआ नहीं है। और अगर हम रांची की बात करें भाई तो पिछला एक सप्ताह से हम लोग परेशान थे। CCL का पिपरवाल क्षेत्र में अगर बात किया जाए तो ये वहाँ का मेन कार्यालय है, मेन ऑफिस यहीं पे है, जहाँ से यार मतलब पूरा इस एरिया को मैनेज किया जाता है। बाकी रास्ता पहले से अगर हम बात करें तो पहले से यार काफ़ी ज़्यादा सुधर चुका है। पहले रोड इतना अच्छा नहीं हुआ करता था, बस आगे ये देखना है कि आगे का जो पुल था वो पुल बना या नहीं, क्योंकि बीच में जो पुल था वो टूटा हुआ था। पुल मतलब टूटा हुआ पुल पे ही लोग क्रॉस करते थे, तो थोड़ा सा रिक्सी होता था बरसात के दिन में, तो यार आप समझ ही सकते हैं नदी में पानी आना जायज़ सी बात है, और वैसे में क्रॉस करना कितना मुश्किल होता है आप समझ रहे हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो पुल था वो काफ़ी कमज़ोर था, लोग उसी पे क्रॉस करते थे, और अभी भी भाई वही हालत है। ऊपर आपको एक पुल दिख रहा होगा जो कि सिर्फ़ और सिर्फ हाईवा ट्रक वगैरह के लिए है, बाकी छोटी गाड़ियों के लिए ये टूटा हुआ पुल ही अभी भी यूज़ हो रहा है। आप देख सकते हो भाई यहाँ पर देखो पुल किस टाइप से टूटा हुआ है। बरसात में अगर पूरा पानी आ जाए भाई तो ये पुल ढक जाता होगा, फिर भी लोग यूज कर रहे हैं।
हमने जो अभी नदी क्रॉस किया वो था दामोदर नदी। दामोदर रिवर का मैंने एक ब्लॉग बनाया है, आपने देखा भी होगा, जो मैकलुस्कीगंज के पास में क्रॉस करता है वहाँ का ब्लॉग आपने देखा यार, उसमें आप सभी लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था और हमें उम्मीद है कि इस ब्लॉग में भी आप सभी लोगों का वैसा ही रिस्पॉन्स रहेगा। ये है पीपरवाल थाना क्षेत्र का रोड, कोलवली क्षेत्र का रोड आप देख सकते हो भाई, मतलब अगर एक गाड़ी सामने से आ जाए तो दूसरा गाड़ी को क्रॉस करने में हालत ख़राब हो जाएगा। पीछे रहने में ही भलाई था, हम लोग इसके पीछे पीछे निकल लिए, लेकिन अगर आगे वो ब्रेक ले तो फिर हम लोगों को कीचड़ में पैर रखना पड़ सकता है। और सबसे बड़ा दिक्कत है कि सामने से एक ट्रक आ रहा है, वो भी रुकने वाला है नहीं। पहले ये रोड में नो एंट्री हुआ करता था, एक्चुअली हमें अभी आइडिया नहीं है कि अभी नो एंट्री का टाइमिंग वगैरह क्या है, लेकिन पहले नो एंट्री हुआ करता था जिसमें दिन में ट्रक वगैरह एंट्री नहीं करते थे, लेकिन हो सकता है कि या तो लोकल गाड़ी हो या फिर छोटा ट्रक था जिसके कारण इसे घुसने दिया गया हो। बाकी आप देख ही रहे हो, और इसका ऐसा हालत की अगर बात करें तो यह सबसे ज़्यादा बरसात में ही होता है भाई। हाँ जी, होटल मिले उससे पहले हम लोग पहुँच चुके हैं चुंदरू धाम, तो चलो पहले हम लोग यहाँ पे चलते हैं, यहाँ कवर करने के बाद ही खाने का देखा जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक सूर्य मंदिर है, तो अभी हम लोग चलते हैं, चल के देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या नज़ारा हमें यहाँ देखने को मिलता है, मंदिर का जो व्यू है, बाकी आसपास का जो व्यू है। मैं कोशिश करूँगा एक छोटा सा ड्रोन शॉट लेने का, तो फाइनली गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं चुंदरू धाम, जो कि चुंदरू नदी के जस्ट बगल में ही है। चुंदरू नदी के कारण ही इस धाम का नाम चुंदरू धाम पड़ा। और यहाँ पे सूर्य जी का मंदिर है, यानी कि सूर्य मंदिर है, और पीछे में अगर मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे एक शिव मंदिर है। तो यहाँ पे ये दो मंदिर है, और बाकी आसपास में मेरे ख्याल से ये विवाह मंडप वगैरह बनाया गया है। बाकी यार और भी आसपास में से कोई लोग दिख नहीं रहे हैं, एक दो मिले भी तो शायद ड्राइवर थे, क्योंकि ये जो एरिया है ये कोलवरी एरिया है, तो उन्होंने बताया कि मैं लोकल नहीं हूँ भाई, तो लोकल से पूछो तो ही पूरा डिटेल पता चल पाएगा आपको। बाकी चलिए एक छोटा सा ड्रोन शॉट लेते हैं, ड्रोन शॉट लेकर इस जगह को एक्सप्लोर करने का कोशिश करते हैं, ताकि ये आसपास में जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको अच्छे से दिखा सकूँ। हमें उम्मीद है आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी वीडियो, पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करो। बाकी अगर आप यहाँ आसपास से हैं तो आप हमें कमेंट करो कि ये जो बगल में जो भी बिल्डिंग्स अगर बने हुए हैं ये विवाह मंडप ही है या फिर किन्हीं का घर है। हालांकि पीछे में तो लिखा हुआ है पुजारी कक्ष, तो सर मे भी पुजारी जी रहते हों, और हम अभी जस्ट मंदिर के सामने में हैं। और इसके बाद मैं एक छोटा सा 360 व्यूज इस मंदिर का दिखाने का कोशिश करता हूँ, वो भी आप इंजॉय करो। चलो दिखाते हैं।
तो जी ये था नज़ारा ड्रोन शॉट का, और ये सामने आपको दिख रहा होगा ये ना चारों तरफ से घेरा हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, अगर आप आते हैं भाई तो नदी की तरफ कोई नहीं जाए, क्योंकि जिस टाइप सा खाई है वो मेरे हमें नहीं लगता है कि बारिश के दिन में समझ भी आता होगा भाई कि कहाँ कितना पानी है, क्योंकि अगर ये पूरा भर जाए भाई तो काफ़ी ज़्यादा पानी हो जाता होगा, और काफ़ी ज़्यादा पानी होने के बाद भाई साहब खाई जो बनता है काफ़ी ख़तरनाक वाला बनता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, अगर आप शिव मंदिर के पास भी जाते हैं तो ये रेलिंग आपको चारों तरफ से मिल जाता है, तो नीचे उतरने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बाकी चलो यहाँ से चलते हैं आगे की ओर, आगे चल के मिलते हैं, बस कहीं पे रुकते हैं ढाबा वगैरह में खाते हैं, क्योंकि भाई हम तो प्लान कर रहे थे पहले ही खाने का, लेकिन पहले प्लान नहीं हो पाया, रीज़न था कि कहीं वैसा होटल दिखा ही नहीं, उसी क्रम में हमें ये मंदिर दिख गया। तो अभी जस्ट हम यहाँ से निकले ही हैं, इसके बाद चलते हैं आगे की ओर। फिलहाल हम क्रॉस कर रहे हैं अमरपाली परियोजना से। अगर हम बात करें टंडवा में तो मेनली दो है, एक अमरपाली परियोजना और दूसरा है मगध, ये दो अभी यहाँ पे प्रोजेक्ट है जो कि अभी काम कर रहा है। मे भी मगध में बीच में काम रुका हुआ भी था, हमें अभी कंफर्म नहीं है कि काम रुका है या नहीं। और ये सामने आप देख रहे हो भाई, यही जगह है जहाँ से खुदाई होता है और खुदाई करके निकाला जाता है। ये तो बगल में आप देख रहे हो कि रोड तक आ चुका है। यानी कि एक प्रकार से आप ये भी बोल सकते हो कि आज का जो राइड हुआ, इस राइड में मैंने आपको यार पूरा कोलोरी दिखा दिया। और भाई साहब फाइनली हम पहुंच चुके हैं सिमरिया चौक, ये है सिमरिया का चौक। यहाँ से अगर आप राइट ले लेते हैं तो हजारीबाग चले जाते हैं, और सीधे हम निकल रहे हैं चतरा की। चतरा की डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ से है अप्रॉक्स 20-25 किलोमीटर, बट हम उतना दूर नहीं जाने वाले हैं, हम रुक जाएंगे उससे पहले ही। लगभग यहाँ से 15 किलोमीटर डिस्टेंस है, एक गांव है सीमा, तो सीमा में ही आज हम रुकने वाले हैं। सीमा के बाद फिर हम वहाँ से सुबह निकलेंगे। बाकी एक भोजनालय हमें यहाँ पे मिला है, मे बी इसमें खाना मिले, कुछ टाइप का नहीं लगा भाई। चलो आगे कहीं और देखते हैं। फाइनली गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं सीमा, सीमा जो कि चतरा से लगभग 6-7 किलोमीटर पीछे है, और आज जो हम लोगों का होल्ड होने वाला है हम यहीं पे रुकने वाले हैं। रीज़न है कि सीमा है हमारे मौसी का गांव, तो हम आज यहीं रुकेंगे। तो आज का जो वीडियो है इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, हमें उम्मीद है कि यार वीडियो को काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और आप हमें कमेंट कीजिए कि वीडियो में कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा सही लगा। और आप में ये भी कमेंट कीजिए कि आपके आसपास में, यानी कि आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं उस लोकेशन के आसपास में ऐसा कोई जगह जिसका वीडियो बनना चाहिए, जिसका आप वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप में कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कोडिया उसका वीडियो बनाऊँ। बाकी फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।